हाँ देख लो, देखो कोसेक की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो तो, 1/sin लिखेंगे। ये भी क्या लिखती है, साइन। कैसे पता चला, सब तो साइन में ही आ जाता है। इसका मतलब या तो इसको साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन देख के थोड़ी देर तक सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तब बनाएंगे। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे किया क्या जा सकता है, एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स, वन माइनस कितना हो गया, अब हम 1 साइन स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन एक्स। रूट के अंदर स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो तो, कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स, काम बन गया। कैसे पता चला काम बन गया, नीचे साइन को अगर हम जेड मानेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर में है। हमेशा नीचे जो भी वैल्यू रहेगा उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट रहना चाहिए, बेसिक है, पूरा इंटीग्रेशन में यही काम करता है। नीचे जो रहेगा ऊपर उसका डेरिवेटिव रहना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो मान लेना। यहाँ पे हम जेड मान लिए, जेड इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स और डी एक्स। तो हम यहाँ से कॉस एक्स और डी एक्स को हटा के क्या लिख देंगे, डी जेड। देखो हमने हटा दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, डी जेड। और रूट साइन नहीं लिखेंगे तो साइन के बदले में क्या लिखेंगे, जेड। अब हमको इंटीग्रेशन में सिखाया गया है रूट जेड है, माने जेड का पावर हाफ पे ऊपर लेके चले जाएंगे, तो जेड का पावर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। इंटीग्रेशन का रूल है क्या, हाँ इंटीग्रेशन का रूल है कि माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन प्लस सिक्स, वन में से हाफ गया, हाफ हाफ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये वन में से हाफ गया हाफ, हाफ को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, अब बोलो कौन सा ऑप्शन राइट है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा फर्क दे देगा, उसी में स्टूडेंट गड़बड़ हो जाएगा।